वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने नेशनल स्तर पर जो भाग लिया है या नेशनल स्तर पर जो मेडल प्राप्त किया है या रनर रहे, उनके लिए बहुत अच्छी खबर आई है दोस्तों। क्या है दोस्तों खबर, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे बने रहिए। ये तारीख आज की 26/10/2021 आज की है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये पूरा प्रेस नोट आया हुआ है, क्योंकि दोस्तों विभाग है जो वो आपके उत्कृष्ट खिलाड़ी को जो जॉब नहीं दे रहे थे, उसी के संबंधित सभी जो जिला कलेक्टर और समस्त विभाग के अध्यक्ष हैं, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर्स और अति मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, यानी टोटल को ये लेटर लिखा है दोस्तों। क्या है पूरा, आप देख सकते हो कि जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनको जॉब नहीं दे रहे थे, यानी कि वो उनको लंबित पड़ रहे थे। तो देख सकते हैं क्या है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है सबको कि राज्य में RPSC के क्षेत्र अधिकार के बाहर, यानी आप देख सकते हो दोस्तों RPSC के अलावा, यानी कि आपके कह सकते हैं अपन सेकंड ग्रेड से ऊपर, सेकंड ग्रेड या सेकंड ग्रेड से ऊपर की जो पोस्ट हैं उनमें दोस्तों ये 2% जो आरक्षण का कोटा है वो लागू तो है, लेकिन उसमें दोस्तों आपको जो नेशनल केवल जो भाग लिया है वो लागू नहीं है इसमें 2% में। तो आप देख सकते हो क्या है, राज्य में राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर के पदों पर सीधी भर्ती में कुल रिक्तियों का 2% आरक्षण उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए देने का प्रावधान विविध अधीनस्थ सेवा नियमों, मंत्रालय सेवा नियमों में चतुर्थ श्रेणी सेवा नियमों में किया गया है। अधिसूचना दिनांक 21/11/2019। आप सबको पता है दोस्तों 21/11/2019 का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारे विभाग है, उसमें थर्ड ग्रेड तक की नौकरियों के लिए जो दोस्तों आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनको आपको डायरेक्ट नियुक्ति दी जाएगी। उसमें दोस्तों आपके उत्कृष्ट खिलाड़ी में जो नेशनल, इंटरनेशनल या दोस्तों आपके जो भी मेडल प्राप्त है, अगर मेडल प्राप्त भी नहीं है तो राजस्थान का जो केवल प्रतिनिधित्व किया है तो उनको भी ये जॉब मिलेगी। इससे संबंधित दोस्तों आज एक राजस्थान की जो वैकेंसी आई है डाक विभाग में, आप उसमें स्पष्ट देख सकते हो कि जो उन किन को जो प्रीफ्रेंस दे रखी है, 6 प्रीफ्रेंस उसमें दे रखी है उनका आधार पर ये, इसके बाद में मैं वीडियो लेकर आऊँगा कल सुबह, आप उसमें देख सकते हो कि जो केवल भाग लिया है उनको भी जॉब मिल रही है। तो उसके आगे क्या है दोस्तों, जो 21/2019 को जो नियम लागू हुआ था, राज्यपाल ने हस्ताक्षर किए थे कि श्रेणी में राष्ट्रीय खेलों के में प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान के राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी सम्मिलित किया गया है। केवल प्रतिनिधित्व खिलाड़ियों को देय आरक्षण क्षतिज आरक्षण होने के कारण चयन की स्थिति में उत्कृष्ट खिलाड़ी को उसी प्रवर्ग में समायोजित किया जाएगा जिससे वह संबंधित होगा। यानी कि दोस्तों आप अगर SC कैटेगरी से तो SC कैटेगरी के 2% सीटों में आपको लिया जाएगा, OBC है, EWS है तो EWS की कैटेगरी से लिया जाएगा, यानी आपकी जिस कैटेगरी से है वह 2% की श्रेणी में आपको लिया जाएगा। इस विभाग के परिपत्र में 31/1/2020 द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण देने संबंधी प्रावधानों की कठोरता से पालन करने हेतु निर्दिष्ट किया गया था, यानी कि आपको ये जो 2% आरक्षण है ये दिया जाना ही निश्चित किया गया था, परंतु राज्य सरकार के समक्ष उक्त निर्देशों की अक्षरतः पालना नहीं किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। यानी कि दोस्तों जो खिलाड़ी फॉर्म लगा रहे थे उनको नियुक्ति नहीं दे रहे थे, तो उसी से संबंधित है ये समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों, यानी टोटल जो बोर्ड्स हैं या विभाग के अध्यक्ष को पुनः निर्देशित किया जाता है कि सीधी भर्ती में पदों पर भर्तियों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण देने हेतु अधिसूचना दिनांक 21/9/2019 यानी 21 नवंबर 2019 को जो दोस्तों ये नियम बने थे, राजस्थान का राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, इनमें कौन कौन से बोर्ड शामिल हैं और दोस्तों कितने जो गेम्स हैं ये आप RTA लगा के आप पूछ सकते हो। ये था दोस्तों आपके, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।